समाजवादी पार्टी कार्यालय से जुड़े समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के ये युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा जी। विनीत जी, कार्यकारी अभी दोबारा बनाई गई है, छात्र संघ आपको सौंपा गया है, क्या छात्रों के अहम मुद्दे लेकर के आप आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, सबसे पहला तो बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय छात्रों का बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में हो गया है इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरा मुद्दा है छात्रवृत्ति का। नौजवान जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ रहा है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई महंगी कर दी गई है। हमेशा हर प्रत्येक वर्ष जो है फीसों में वृद्धि हो जा रही, कहीं 400 गुना। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए कि फीस को 400 गुना बढ़ा दिया गया, एकाएक बढ़ा दिया गया। तो बताइए, गरीब किसान मजदूर के बेटे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? और उसके एवज में अब आप छात्रवृत्ति भी नहीं दे रहे हैं, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रही है। तो ये जिससे नौजवान पढ़ाई से वंचित हो जा रहा है, उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और समाजवादी छात्र सभा इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और ये छात्रों के बीच में उनको बताने का काम करेगी कि आपके ये जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर इस पे आप लड़ाई नहीं लड़ते हो तो आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के या देश में नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप युवा छात्र नेता हैं, अगर मैं NEP पे बात करूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए तमाम सवालिया निशान लगा के आए, तो इसके बारे में आपको कुछ विस्तृत में जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को कमज़ोर किया है। जो शिक्षा पहले हुआ करती थी, जो शिक्षा पहले होती थी, उन्हीं शिक्षा की वजह से आज अधिकारी बैठे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में उन्होंने शिक्षा जो शिक्षा के नियमावली को बना रहा है, ये जिस तरीके की शिक्षा नियमावली बना रही है, कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को ख़राब करने के लिए बनाई जा रही है। इससे शिक्षा महंगी होती चली जाएगी। तो आप इतना समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये सरकार जानती है कि अगर नौजवान पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो हमसे रोज़गार मांगेगा, और रोज़गार मांगेगा तो रोज़गार देने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की है नहीं। लाखों लाख नौजवान डिग्री लेकर कॉलेजों से निकल रहा है, विश्वविद्यालयों से निकल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें धोखा देने का काम कर रही है, नौकरी के नाम पर धोखा देने का काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है कि नौजवान किसी तरीके से शिक्षित न हो पाए, और अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो चीज़ों को जानने लगेगा, और जानने लगेगा तो इनके जो एजेंडे जो ये चला रहे हैं, धार्मिक एजेंडे या न जाने कौन कौन से एजेंडे, नफरत के एजेंडे चला रहे हैं, उस एजेंडे को जान जाएगा और इनके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को कमज़ोर करते जा रही है और महंगा कर रही है कि कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षित ना हो पाए। आप जैसे भी आपने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है, खासतौर से ये केंद्र का मुद्दा बन गया, बेरोजगारी और महंगाई। तो हम आपसे यहाँ बेरोजगारी की बात करेंगे, क्योंकि आप एक छात्र नेता हैं। प्रदेश सरकार कहती है कि अगर पिछले 5 से 6 साल का रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार पहली सरकारों से कहीं ज़्यादा दिया गया है। अरे, कहाँ रोजगार मिला उत्तर इनके पास? अगर भारतीय जनता पार्टी के डाटा पर बात करेंगे, उनकी बातों पर बात करेंगे, तो वो न जाने क्या क्या कहते हैं। उन्होंने तो मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष एम्स बन रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कॉलेज बन रहे हैं। आप बताइए ना, अगर प्रत्येक वर्ष बन रहे होते तो आज 10 सालों में 10 एम्स तो बन गए होते ना, 10 IIM बन गए होते ना, लेकिन कहाँ है? ये आंकड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन आंकड़ों में कोई सच्चाई इनके नहीं होती है। आंकड़ों में इनके कोई सच्चाई नहीं होती, सिर्फ आंकड़ा ये दिखाते हैं, वो आंकड़े धरातल पर शून्य होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बता तो रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। अगर आप नौकरियां दे रहे हैं तो बड़ा नौजवानों का बड़ा तबका कैसे रोजगार से छूट गया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी हर समय झूठ बोलने का काम करती है, और नौजवानों के साथ जितना छलावा हुआ, क्योंकि पहली बार जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनी थी और जब मैनिफेस्टो लाया था तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या सरकार से पूछिए ना कि क्या एक वर्ष में कितनी नौकरियां मिली? तो इनके वादे झूठे हैं, ये केवल सपने दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार का नौजवान अब भटकने वाला नहीं है, नौजवान इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, विपक्ष के साथ है, और मुझे लगता है कि जिस जब जब नौजवान अंगड़ाई लिया है, बड़े बड़े सत्ता को हिलाने का काम किया, और मुझे भरोसा है इस बार कि नौजवान बड़ी अंगड़ाई लेने जा रहा है और उत्तर प्रदेश और देश में सत्ता परिवर्तन का काम करेगा। आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है छात्र सभा का, छात्र हितों के लिए किस प्रकार से समाजवादी पार्टी छात्र नेता होने के नाते आप क्या काम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लायक मुझे समझा।
और जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस जिम्मेदारी को निभाने का भी काम हम करेंगे। लेकिन जो मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास है, हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर नौजवानों से संपर्क करेंगे, उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। और जो असल में उनके मुद्दे हैं, फीस वृद्धि वाला मुद्दा है, छात्र संघ बहाली का मुद्दा है, छात्रवृत्ति का मुद्दा है, जीरो फीस का मुद्दा और बेरोज़गारी का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर हम नौजवानों के बीच में जाएंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे और अपने से उनको जोड़ने का काम करेंगे और जोड़कर उन इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय अखिलेश यादव जी के संरक्षक में बैठक बुलाई गई जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया, क्या संबोधन किया, क्या उन्होंने ऐसी चर्चा आप लोगों से करी? देखिए, उन्होंने निर्देश दिया है कि काम बेहतर करने के लिए और जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है और हम लोग उनकी बातों को लेकर उनके जन योजनाएं जो उन्होंने 2012 से 17 के बीच में चलाई थी, वो छात्रों के लिए चलाई थी, महिलाओं के लिए चलाई थी, नौजवानों किसानों के लिए चलाई थी, उन मुद्दों को लेकर हम छात्रों के बीच में जाएंगे और उन्हें बताने का काम करेंगे और उनको अपने से जोड़ने का काम करेंगे। यही दिशा निर्देश समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला है, बेहतर काम करने के लिए और कैसे भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से हटाया जाए उस पर विचार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। बहुत ये हमारे साथ जुड़े हुए थे विनीत कुशवाहा, जो कि समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनसे हमने छात्र हितों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया कि समाजवादी जो पार्टी की कार्यकारिणी ये छात्र सभा की बनाई गई है वो किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जो समान अखिलेश यादव जी के संरक्षक में आज जो यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई उस पर क्या निष्कर्ष निकल करके आया, इसकी जानकारी हमने ली। कैमरामैन उमा के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।